हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्ट एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च 2021। और ये एक स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी बैंकिंग और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो फार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके, जो हमारा चैनल जो यूट्यूब पे जो रहता है। और मेक श्योर टू प्रेस दी बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपने बताना है कौन से नीचे दिए गए पेयर जो है करेक्टली जो है मैच रहे, बिल्कुल सही मिलान जो है किन पेयर का है। तो देखिए, इंडिया टॉय फेयर जो है 27 फरवरी टू 2 मार्च 2021 को जो ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया में टॉय इंडस्ट्री को जो है डेवलप करना और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज को इंडिया में बढ़ाना मेक इन इंडिया पार्ट का इनिशिएटिव है और पीएम मोदी जी का एक विजन भी है। तो टॉयज अपने आप में देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए, जो प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं उनमें काफी ज्यादा जो केमिकल्स भी यूज होता है, लेकिन जो इंडिया में मैक्सिमम जो टॉयज जो बनाए जाते हैं नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, तो इनकी प्रमोशन और इनके मार्केट एक्सेस को बढ़ाना जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास रहता है कि निर्मल टॉयज जो है तेलंगाना, चनापतना टॉयज इन कर्नाटका और कंडापल्ली टॉयज इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये तीनों के तीनों पेयर जो है आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैच किए गए हैं। ये तीनों के तीनों पेयर जो है बिल्कुल सही, आप ध्यान रखना। निर्मल टॉयज आपको तेलंगाना स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, चनापतना टॉयज जो है कर्नाटका को बिलोंग करते हैं और कोंडापल्ली टॉयज जो है आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, ऑल दी थ्री ऑप्शंस आर करेक्टली मैच। देखिए, जो निर्मल टॉयज हैं ये जो है वर्ल्ड फेमस जो है ट्रेडिशनल वुडन टॉयज है। देखिए, लकड़ी के बने हुए ये टॉयज होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मेड होते हैं इन द टाउन ऑफ निर्मल। निर्मल टाउन आपको जो है अडिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना यहाँ पर देखने को मिलेगा। और निर्मल आर्ट जो है देखिए आपको जानकर हैरानी होगी, 400 साल पुराना ये जो है एक रिच ट्रेडिशन है, एक जो है परंपरा है। और ये जो इनके पास करता है सॉफ्ट वुड टॉयज इसमें रहते हैं और अट्रैक्टिव पेंटिंग्स इनके ऊपर की जाती है। उसके बाद चनापटना टॉयज की हम बात करें तो आपको उन्हें ये जो कर्नाटक में देखने को मिलता है और चनापटना ये जो जगह है इसको लैंड ऑफ टॉयज भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो 200 ईयर्स ओल्ड ये जो आर्ट फॉर्म रहती है और हैज अ जी आई टैग एंड मेड फ्रॉम वुड एंड नेचुरल कलर। तो आप ध्यान रखना, ये जो चनापटना ये जो टॉयज है कर्नाटका के, इनको जी आई टैग भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और वुड और देखिए नेचुरल कलर जो प्राकृतिक रूप से जो रंग पाए जाते हैं उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कोंडापल्ली टॉयज। तो कोंडापल्ली टॉयज जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये जो बनाए जाते हैं और ये टॉयज जो मेड अप हो गया ऑफ सॉफ्ट वुड कॉल्ड टेला पोनिकी। तो टेला पोनिकी से ये जो है कोंडापल्ली टॉयज जो बनाए जाते हैं दैट इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द एडजेंट हिल्स ऑफ कोंडापल्ली। तो कोंडापल्ली के जो हिल्स हैं वहां से जो है टेला पोनिकी जो है वुड लाए जाएंगे सॉफ्ट वुड और उनसे ये टॉयज जो बनाए जाएंगे। तो आप जो भी याद रखिए, निर्मल टॉयज बिलोंग टू तेलंगाना, चनापटना टॉयज बिलोंग टू कर्नाटका, जी आई टैग भी इनको दिया गया है और कोंडापल्ली टॉयज जो है आंध्र प्रदेश को जो बिलोंग करते हैं। अब देखिए न्यूज में ये क्यों था, देखिए द हिंदू का आप आर्टिकल देख सकते हैं, पीएम कॉल्स फॉर ई मार्केटिंग ऑफ चनापटना टॉयज, यानी कि ई मार्केटिंग ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है चनापटना टॉयज को जो है बेचने के लिए बात की गई। और देखिए द हिंदू ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये जो है लकड़ी के बने हुए टॉयज होते हैं और ओनली वेजिटेबल डाइज जो है इनके ऊपर जो यूज होती है, जो कलर्स इनके ऊपर जो यूज होता है वो जो है वेजिटेबल डाइज का यूज होता है। तो काफी ये सेफ है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे टॉयज का यूज करते हुए इनको कई बार मुंह में भी डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीएम मोदी जो बोलते हैं कि ये जो चनापटना टॉय मिक्सेस है इनके लिए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से ई मार्केटिंग जो है इनको जो प्रोवाइड की जाए। और टॉयज देखिए अपने आप में काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट, जर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के देखिए पीआईबी रिलीज जो 11 फरवरी 2021 की है। इंडिया टॉय फेयर 2022 भी हेल्ड वर्चुअली, यानी कि डिजिटल मोड के ऊपर ये जो है ऑर्गेनाइज होगा फॉर 27 फरवरी टू 2 मार्च 2021। तो टॉय इंडस्ट्री को जो है डेवलप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमएसएमई भी हमारे जो आ जाते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज जो है चाइना हमें देखने को मिलता है, तो इंडिया की टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना भी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉयज आपको बताना चाहिए, देखिए कोंडापल्ली और इटिको पाका वो मालू जो टॉयज आपको देखने मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, थंजावुर डॉल्स और चोपू सामान जो है तमिलनाडु में, दिबुडन टॉयज ऑफ वाराणसी यूपी में, अचकारकंडी टेरकोटा टॉयज असम, नतुन ग्रम डॉल्स और गलारपुटल डॉल्स आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, डॉल्स ऑफ विलचेचेरी तमिलनाडु, थिगड़ा डिंगा डॉल्स गुजरात, डिंगला जो क्लॉथ को बोलेंगे और डिंगलीज जो डॉल्स को बोलते हैं, ये ऑफन मेड होती है फ्रॉम द स्मॉल पीसेज ऑफ वेस्ट फैब्रिक्स कॉल्ड थिगड़ाज। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल पंजाबी टॉयज में आपको देखिए चनकाना देखने को मिलेगा, टॉय विद अ विसल, गुगू देखने को मिलेगा जिसमें आपको रेटल बॉक्स फॉर बेबीज मिलेगा, लट्टू स्पिनिंग जो टॉप होता है लट्टू आई थिंक हम सब ने देखा ही होगा बचपन में, हैंड वाई किचन सेट्स, गुड्डा गुड्डी एंड चरखा लेडी स्पिनिंग या नेट की व्हील। और उसके बाद मध्य प्रदेश में हमें लेस्क्यू टॉयज देखने को मिलते हैं और महाराष्ट्र में भटकोली मिनियचर
किचन सेट, भटकुली जो है एक मिनिएचर किचन टॉय सेट हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र का। तो ध्यान रखिए भटुकली जो मिनिएचर जो किचन सेट है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट इनिशिएटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो आइडेंटिफाई करेगी प्रोडक्ट्स ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये कंसल्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को और उसके बाद ये आइडेंटिफाइड करेगी प्रोडक्ट्स को फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट रहती है द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स विल बी सपोर्टेड अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें सपोर्ट किए जाते हैं। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछेगी, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखिए न्यूज में क्यों था, देखिए कर्नाटक की न्यूज आई, कर्नाटक टू फोकस ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बजट में इन्होंने 100 करोड़ जो इसके लिए जो मार्क कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज फाइनलाइज्ड द प्रोडक्ट्स फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स जो हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल पोल्ट्री मिल्क फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मरीन सेक्टर फॉर 728 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो लिस्ट जो रहेगी प्रोडक्ट्स की हैज बीन फाइनलाइज्ड आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द स्टेट यूटीज एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये भी प्रमोटेड होंगे इन अ क्लस्टर अप्रोच, क्लस्टर का सिंबल मतलब ग्रुप इनका बनाया जाएगा थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स विद द अल्टीमेट एम ऑफ इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। और ये जो आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट होंगे ये विल बी सपोर्टेड अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो कि प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स टू द प्रमोटर्स एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एमेजोनिया वन जो है सैटेलाइट जो है न्यूज में थी, तो इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया। देखिए पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-51 ये जो फ्लाइट थी रिसेंटली इसके द्वारा जो है, और ये जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, सेकेंड कमर्शियल आर्म है इसरो की। एंट्रिक्स भी जो है देखिए आपको कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो जो है देखने को मिलती है, और इसरो आपको 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर आपको जो है बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। तो पीएसएलवी C-51 की ये जो फ्लाइट थी जिसके द्वारा जो है एमेजोनिया जो सैटेलाइट है ब्राजील की इसको जो है छोड़ा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो, इसरो के द्वारा एमेजोनिया वन सैटेलाइट को जो छोड़ा गया है। और एमेजोनिया जो सैटेलाइट है ये बिलोंग करती है ब्राजील को, ये चीज में आप जो रिमेंबर करें। और पीएसएलवी आपने ध्यान रखना ये लॉन्च व्हीकल है इसरो का, और ये जो थर्ड जनरेशन एक लॉन्च व्हीकल है, और ये जो फोर स्टेज जो है लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें अल्टरनेट आपको सॉलिड और लिक्विड प्रोपेल्ड जो है रॉकेट इंजन जो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट और थर्ड इसमें सॉलिड रहेंगे और सेकंड और फोर्थ इसमें जो लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन जो है आपको जो है देखने को मिलेंगे। और ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है लिक्विड जो है फ्यूल का जो है यूज किया था, लिक्विड रॉकेट इंजन का जो हमने जो है यूज किया था। ये आप द हिंदू की जो है न्यूज देख सकते हैं, इसरो पुट्स ब्राजील्स एमेजोनिया वन एंड 18 अदर सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन था ये स्पेस एजेंसी की जो कमर्शियल आर्मी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इनका जो ये फर्स्ट ये जो है मिशन था। तो ध्यान रखना आपने एमेजोनिया वन जो है ब्राजील की जो ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि द एओस ट्राइबल जो पीपल है ये किस स्टेट को जो बिलोंग करते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इसमें नागालैंड। तो एओस ट्राइबल जो पीपल है जो एओस जो ट्राइब है ऑस्ट्रो ट्राइब है ये जो आपको जो है नागालैंड में देखने को मिलेगी। तो देखिए न्यूज में क्यों थी, क्योंकि नागालैंड में जो है बहुत से ट्राइबल ग्रुप जो है रिवाइव करना चाहते हैं केजेस फॉर लॉ ब्रेकर्स। तो इस तरह से ये केजेस होते हैं और इसमें जो है इस तरह से जो है लॉ ब्रेकर्स को रखा जाता है। तो देखिए न्यूज थी द हिंदू की कि सम विलेज इन नागालैंड आर ट्राइंग टू रिवाइव अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट सीक्स टू चेक क्राइम विद एन ईच इन टाइम। और सच इची केजेस जो रहते हैं इनको कुलजी घार जो है नगामिज्म और में बोला जाता है, और ऑस वन ऑफ द मेजर जो ट्राइबल्स हैं नागालैंड की कॉल इट शिकी। तो इस तरह से केज होते हैं और ये फिर इस तरह से स्किन में जो है ये इस तरह से जो है खारिश भी ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली श्रीलंका ने डिसाइड किया टू डेवलप ईच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट फैसिलिटी विद जापान इंडिया। और देखिए ईस्ट जो कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का उसको डेवलप करने के लिए जो है एक जो है ट्राइपार्टी जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो है साइन हुआ था इंडिया जापान और श्रीलंका के बीच में 2019। लेकिन चाइना ने जो है अब जो है इससे जो है विड्रॉ कर लिया है, और चाइना ने जो है इनवाइट किया है इंडिया को कि वेस्टर्न इंडिया और जापान को कि आप जो है वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो रहता है कोलंबो पोर्ट का उसको जो है आप डेवलप कीजिए, और ये जो हेबन टोटा ये जो पोर्ट रहता है ये जो है श्रीलंका के साउथर्न पार्ट में रहेगा। और ये 99 ईयर लीज के ऊपर ये चाइना को इन्होंने जो है दे दिया है, चाइना की डेब्ट पॉलिसी में ये जो है फंस चुके हैं और चाइना के लोन्स का इंटरेस्ट ही देने के लिए जो इनको दोबारा से जो चाइना से जो लोन लेना पड़ते हैं।
तो ये द हिंदू की हम न्यूज देखते हैं, इंडियन जापान बैक इन न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट, तो प्राइवेट इन्वेस्टर सेट टू डेवलप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। तो श्रीलंका ने देखिए इनवाइट किया है टू डेवलप द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट अलोंग विद इंडिया एंड जापान। और देखिए इंडिया ने इसमें अडानी ग्रुप्स को जो है अप्रूव्ड कर दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेस्टर्न कंटेनर पोर्ट ऑफ द कोलंबो पोर्ट। एक बार ये जो पोर्ट है इनको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो दिस इज अवर अर्थ और ये रहा हमारा लविंग इंडिया। और यहाँ से अगर हम इंडिया के जो अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको जो है एक पर्ल ऑफ इंडियन ओशन जिसको बोला जाता है श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है जाफना जो है पेनिनसुला भी श्रीलंका में देखने को मिलेगा। पोर्ट्स को देखने से पहले आप थोड़ा सा जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देखिए सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी पाल्क बे। पाल्क बे के बाद जो है अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी पार्क स्टेट, उसके बाद आपको पार्क वे इस तरह से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो है एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज देखने को मिलेगा। रामेश्वर आइलैंड इंडिया का बिलोंग करता है देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर गुल्फ ऑफ मन्नार जो है आपको सबसे साउथ में यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप जाफना पेनिनसुला देख सकते हैं, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोलंबो पोर्ट। तो इसका जो वेस्टर्न जो कंटेनर जो पोर्टल कंटेनर जो रहेगा उसको जो है वेस्टर्न कंटेनर पोर्ट जो रहेगा कोलंबो का उसको डेवलप जो है इंडिया करेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेमेन टोटा पोर्ट जो कि चाइना को जो लीज के ऊपर दे दिया है साउथ मराठ में। और एक काफी ज्यादा पोर्ट इनका जो है ट्रिकोन मैली पोर्ट जो है श्रीलंका के न्यूज में रहता है, तो इसको भी आप जो है मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इजी है, अगर आप न्यूज पेपर से ढंग से पढ़ते तो आप बड़े इजली इसका आंसर दे सकेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द मैंडेट, मतलब क्या काम था आपके सूर्य प्रकाश कमेटी का जो कि अभी न्यूज में रिसेंटली। तो ये है आपके ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी जो है, ये जो कार्य था आपका सूर्य प्रकाश कमेटी का। तो आपने ध्यान रखना जो सूर्य प्रकाश कमेटी जो कि रिसेंटली न्यूज में थी इट इज रिलेटेड टू द मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी एज सांसद टीवी। ये आप द हिंदू की न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी नाउ मर्ज्ड अंडर बैनर ऑफ सांसद टीवी। और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो है रवि कपूर जी, इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया एज सीईओ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं सूर्य प्रकाश कमेटी जो सेटअप हुई थी इसके मर्जर के लिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट कमेटीज जो न्यूज में रहती है और एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है इसमें है, सबसे पहले डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। उसके बाद अशोक धलवाई कमेटी ऑफ डबलिंग दी फार्मर्स इनकम, रणबीर सिंह कमेटी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, श्री नंदन नीलकेनी कमेटी डिजिटल पेमेंट्स, केवी कमाथ कमेटी ये जो है रहती है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स इंपैक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक, और बी एन श्री कृष्णा कमेटी डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू कंडक्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो मरीन स्पेशल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी के लिए जो एक एग्रीमेंट जो साइन की है ये किस कंट्री के द्वारा इंडिया के साथ साइन की गई है, तो ये नॉर्वे के द्वारा जो है साइन की गई है फॉर मरीन टू कंडक्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। या पीआईबी का कटआउट देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर साइंसेज का, इंडिया नॉर्वे एग्री टू कंडक्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो देखिए रिसेंटली हमने 3 मार्च को जो है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट किया, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूछी गई है। फर्स्ट इसमें दी गई है इट कमेमोरेट्स द डे ऑन विच क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करने से जो रिलेटेड है, लेकिन ये जो आप ध्यान रखिए यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये जो काइट्स जो कन्वेंशन जो साइन हुई थी, काइट्स बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन रहती है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना, ये जो आपकी काइट्स जो कन्वेंशन है ये 3 मार्च 1973 को जो है साइन हुई थी। तो इसी को ही कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है 3 मार्च को जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि 2021 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो ये बिल्कुल सही बात है, 2021 की थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट जो आएंगी सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो देखिए अब आप हिंदुस्तान टाइम्स की आप न्यूज देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि मार्च 3 जो है सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे टू कमेमोरेट द डे ऑन द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा इन 1973। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेलिब्रेट द डे एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। थीम जो रहती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 की फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 अभी न्यूज में थे रिसेंटली। देखिए जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है 2020 उसमें
सिटीज को दो तरह की सिटीज को इसमें मार्क किया जाता है, मोस्ट डाइवल्युएबल सिटीज जिसमें मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, और एक रहेगी लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर होता है। तो जो बिग सिटी है, मेगा सिटी है, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में बेंगलुरु ने टॉप किया हुआ है, और लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में मोस्ट लाइवलेबल जो मोस्ट लिविंग जो सिटी है दैट इज शिमला अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। एंड म्यूनिसिपल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2020, इसमें इसको इंदौर के द्वारा जो टॉप की गई है, इंदौर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके द्वारा इसको टॉप किया गया है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि ये दोनों इंडेक्स किस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो देखिए नीति आयोग इसका बिल्कुल नहीं होगा, दीज आर रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है, अगर आप मेरे वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 वो सेकंड एडिशन इसकी रिलीज हुई थी, और उसको जो टॉप किया गया कर्नाटका इन दी मेगा सिटी मेजर स्टेट्स कैटेगरी, और दूसरा रहता है नॉर्थन और हिल स्टेट्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के द्वारा उसको जो है टॉप किया गया है, और यूटीज में उसको जो है दिल्ली के द्वारा जो है टॉप किया गया है। या आप स्क्रीन के सामने द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, बेंगलुरु एंड शिमला मोस्ट लाइवेबल सिटीज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिलीज लिविंग इंडेक्स। तो मैंने आपको पहले बताया दिया इज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, और बेंगलुरु ने देखिए टॉप किया है इसको इन दी सिटीज मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, और इसको फॉलोड किया बाय पुणे और अहमदाबाद, और उसके बाद शिमला ने टॉप किया हुआ है इसको लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में, और इट इज फॉलोड बाय भुवनेश्वर एंड सिलवासा। और मिनिस्ट्री के द्वारा ऑल्सो लिस्ट किया गया म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको जो है इंदौर के द्वारा टॉप किया गया रैंकिंग म्यूनिसिपैलिटीज विद ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन फॉलोड बाय सूरत एंड भोपाल, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है टॉप किया उसको बेस्ट अमंग सिविक बॉडीज अंडर 1 मिलियन पॉपुलेशन। अब देखिए इतनी जानकारी हमने ले ली कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करती है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए इजिली सॉल्व अब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेंट्रलाइज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज बीन कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय यूएन हैबिटेट। देखिए यूएन हैबिटेट को कोई इसमें लेना देना नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को रिलीज करती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो जहां पर 1-1 है उसको आप काट सकते हैं, करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। बेंगलुरु इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन द मिलियन प्लस कैटेगरी, बिल्कुल सही बात है, मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु ने जो इसको टॉप किया, तो राइट आंसर सेकंड ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिंपली यह पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है रिसेंटली जो है ये न्यूज में था, और इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये डिमांड रखी हुई है कि जो छाबार जो पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, इसको भी जो है इसमें जो इंक्लूड कर देना चाहिए। तो इसमें जो है देखिए पाकिस्तान इसका जो है पार्ट नहीं है, तो आप देखना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पाकिस्तान कंट्री जो है पार्ट नहीं है। तो देखिए द हिंदू में न्यूज आई थी, इंडिया वांट्स छाबार पोर्ट ऑन अ की कॉरिडोर। देखिए इंडिया चाहता है कि छाबार पोर्ट को इसमें जो इंक्लूड कर दिया जाए। देखिए न्यूज आप पढ़ सकते हैं, इंडिया वांट्स छाबार पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द 13 नेशनल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देखिए एक चीज आपको न्यूज से पता लगी कि 13 देशों का ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रॉम इंडिया टू रशिया एंड एक्सपेंड्स INSTC मेंबरशिप बाय इंक्लूडिंग और अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी जो है इसमें मेंबरशिप देने की जो है इंडिया ने जो है बात कही। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप ध्यान रखना 7200 किलोमीटर एक लॉन्ग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मतलब इसमें यह है कि इसमें शिपिंग भी आएगी, इसमें रेलवे रेल्स भी आएगी, रोड्स रूट भी आएंगे, तो शिप रेल रोड रूट आ जाएंगे इसमें, इसका मतलब मल्टी मॉडल बहुत सारे मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। टू एस्टैब्लिश ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिसमें शिप रेल और रोड रूट आएगा। इट विल बी यूज फॉर मूविंग फ्रेट, फ्रेट होता है जो भी मालगाड़ीज होती है बिटवीन जो भी माल वगैरह होता है सामान होता है बिटवीन इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। इट विल कट ये जो है कॉस्ट जो रहेगा जो खर्चा जो होता है लॉजिस्टिक का उसको कम करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करेगा और टाइम भी जो है कम जो है ये करेगा। और इसमें 13 कंट्रीज जो है देखिए ये 13 कंट्रीज को इंक्लूड करता है जिसमें इंडिया ईरान रशिया टर्की अर्मेनिया अजरबैजान बेलारूस कजाकिस्तान किर्गिज रिपब्लिक तजाकिस्तान ओमान सीरिया और यूक्रेन ये इसके जो है मेंबर पार्ट रहेंगे। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये जो आपको जो है जर्नी जो है रूट देखने को मिलेगा, इस तरह से इंडिया से होते रशिया तक ये कनेक्ट करेगा। इसमें देखिए ओमान ईरान वगैरह जो इसके पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी एक्स डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। देखिए सेंट्रल न्यूज में थी, यूएई एयरफोर्स के द्वारा इसको जो है होस्ट किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगी। 10 कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज को दिस ईयर, और इंडिया जो फर्स्ट टाइम जो है इंडियन एयरफोर्स जो फर्स्ट टाइम जो इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट करेंगी।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि थर्ड टाइम इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है 2021 में जो है पार्टिसिपेट करेगा, तो राइट आंसर ए वन एंड सेकंड इज करेक्ट, आप जो है करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ये आप अपनी स्क्रीन सामने पीआईबी की न्यूज देखते हैं, आईएफ पार्टिसिपेशन इन एक्स डेजर्ट फ्लैग 6, ये एक्सरसाइज रहेगी। तो एक्स डेजर्ट फ्लैग जो है एक एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स इंप्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज रहती है, जिसको होस्ट किया जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और इंडियन एयरफोर्स जो पार्टिसिपेटिंग कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 अलॉन्ग विद द एयरफोर्स ऑफ यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन। और ये जो है आपकी 3 मार्च से 27 मार्च 2021 चलेगी, और अल दाफरा जो एयरवेज है यूएई में, यहाँ पर ये जो कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए जो पीआईबी की जो न्यूज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये खुद ये जो है प्रेस रिलीज जो है ये रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशू बाय आरबीआई, बिल्कुल सही बात है, आरबीआई द्वारा ये इशू किए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, जो रेजिडेंट जो इंडियंस हैं, ट्रस्ट हैं, चैरिटीज हैं, यही जो है इसमें जो इन्वेस्ट कर सकती है, एनआरआई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल गेन टैक्स बिल अप्लाइड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, बिल्कुल गलत बात है, ये जो है टैक्स फ्री एक स्कीम है, आपने ध्यान रखना सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है टैक्स फ्री एक जो है स्कीम जो है हमारी रहती है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। तो राइट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ये डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए मेरी ये सीरीज बनाने का मेन मोटिव ये रहता है, हम क्वेश्चन डिस्कस करें उसके कंसेप्ट को आप साइड से भी समझ लें। तो आप यहाँ पर समझिए, ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन 2015, और ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो हमारी ओवर डिपेंडेंस है गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर, देखिए कोई भी चीज हमारी कंट्री में इंपोर्ट होती है तो हमारा पैसा बाहर जाता है और नेचुरली उससे क्या होता है हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट भी जो है सरकार का जो है बढ़ता है, तो और ट्रेड डेफिसिट भी जो है उससे जो है बढ़ता है, तो इसलिए ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी। The move was also aimed at changing the habits of the Indians from saving in physical form. देखिए physical form में gold अगर आप save करते हैं तो आपके घर में चोरी होने का डर रहता है, लूट वगैरह हो सकती है, तो इसलिए physical form of gold की जगह जो है paper form of gold के रूप में जो है आप जो है gold खरीद सकते हैं। और ये जो bonds है ये denominator रहेंगे in the multiples of grams, 1 gram gold आप इसमें दे सकते हैं, basic unit इसमें 1 gram है और upper limit जो है जितना मर्जी आप ले सकते हैं, और tenure जो रहेगा for a period of 8 years रहेगा, और 5 साल के बाद जो है इसमें आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी इस पे आपको मिलता है, और बॉन्ड्स जो है क्वालिटी फॉर लोन्स, लोन्स लेने के लिए भी आप इन बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है इनको इशू किया जाता है आरबीआई द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है डिनोमिनेटेड ग्राम्स ऑफ गोल्ड और सब्स्टिट्यूट ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड का ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, और बॉन्ड्स जो है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं फॉर सेल टू द रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स, इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सो एनआरआई जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, और ये जो है टैक्स एब्सेंट रहते हैं क्योंकि कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो इसमें जो चार्ज नहीं किया जाता है, और जब इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो जो उसमें जो गोल्ड की वैल्यू चली हुई होती है उस वैल्यू के ऊपर जो आपको जो है पैसे इसमें मिल जाते हैं, सोना नहीं मिलेगा आपको लास्ट में, पैसा ही आपको इसमें जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है 26 फरवरी 2021 की ये जो न्यूज थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो रहती है 2021 सीरीज 12 जो है इसके बारे में दिया गया था। तो इसमें देखिए इन्होंने अब रिबेट भी एक दे दिया, देखिए इस तरह से 1 ग्राम का प्राइस जैसे सोने का 4,665 रुपये दिया गया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंडिया ने जो बोला कि जो डिजिटली इनको खरीदेंगे उनको 50 रुपीज का इसमें ये जो रिबेट भी देंगे, एक डिस्काउंट भी जो इसमें जो देंगे। देखिए दो इंडेक्स हमारे होते हैं, एक होता है इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज जो जिससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, दूसरा होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये जो इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज है इसकी 40% वेटेज जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जबकि इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको जो रिलीज किया जाता है, और बेस ईयर इसकी 11-12 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 14-15 बेस ईयर यहाँ पर दी गई, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और टोटल वेटेज जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का वो हायर रहता है फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर की देखिए सबसे कम वेटेज इसमें रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सेकंड लास्ट सबसे ज्यादा जो इसमें जो वेस्टेज हमें देखने को मिलती है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट हो जाएगी, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बेस 11-12 है, और ये वेटेज रहती है डिफरेंट, इसमें फर्टिलाइजर्स की वेटेज है 2.63%, उसका सीमेंट आएगा 5.37%, नेचुरल गैस आएगी 6.88%, फिर क्रूड ऑयल आएगा 8.98%, फिर कोयल आएगा 10.33%, फिर स्टील आएगा आपका 17.92%, और इलेक्ट्रिसिटी आएगा 9.95%, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आएंगे 28.04%। फेस नेचुरली CCSER ट्रिक इसमें रहती है, FA से आप फर्टिलाइजर, फिर C से आपका सीमेंट रहेगा, उसका E जो है फिर C से सीमेंट रहेगा, फिर नेचुरली से हम नेचुरल गैस को मेंबर कर सकते हैं, फिर क्रूड ऑयल, और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोल की जो है क्रूड ऑयल से ज्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी और सबसे ज्यादा बेटे फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये जो है न्यूज में था रिसेंटली, ये किसी से रिलेटेड है? तो देखिए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ये एक मैसेंजर एप्लीकेशन है जिसको इंडियन आर्मी के द्वारा जो है डेवलप्ड किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। यहाँ पर पीआईबी की न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, आर्मी लॉन्चेज सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत, इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड अ सिंपल, इंडियन आर्मी द्वारा देखिए खुद डेवलप किया गया है सिंपल एंड सिक्योर, और ये सेफ भी रहता है, सिक्योर रहता है मैसेजिंग एप्लीकेशन, नेमली सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन द 20th Act 2016। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट आपको 1986 जो था उसके द्वारा इसको जो एस्टैब्लिश कर दिया गया था 2016 में, तो इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी, तो यहाँ से रिलेटेड थोड़ी सी स्टेटमेंट जो आपकी जो है गलत हो जाएगी। बाद में 2016 में अमेंडमेंट करके इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया, तो इट इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी विच लेट एक्ट विद सच अ स्टैंडर्डाइजेशन मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड फॉर्मेट कनेक्टेड देयर विद, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। और ये वर्क करती है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री, ये वर्क करेगी। देखिए सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये दोनों दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री जो वर्क करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी, तो सेकंड ओनली इज इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, एस्टैब्लिश्ड अंडर द 20th Act 1986 फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मार्केटिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंट देयर विद, दिस हैज बीन प्रोवाइडिंग ट्रेसेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी बेनिफिट्स टू द नेशनल इकोनॉमी इन द नंबर ऑफ वेज, जैसे प्रोवाइडिंग सेफ रिलायबल क्वालिटी गुड्स, मिनिमाइजिंग हेल्थ हैजर्ड्स टू कंज्यूमर्स, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, कंट्रोल ओवर प्रोलिफरेशन ऑफ वैरायटीज एटसेट्रा थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन टेस्टिंग। या विकिपीडिया का कटआउट देख सकते हैं, ये जो एस्टैब्लिश हुई है 23 दिसंबर 1986 में अंडर द देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री, वर्क करेगी। स्टैट्यूट बॉडी है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986 जो कि 23 दिसंबर 1986 में केम टू फोर्स आ गया था, बाद में इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2016 में और इसको एक जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो है इसको जो है इसके बाद जो है बना दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री वर्क करेगी। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो है पीआईबी न्यूज आई कि जो मिनिस्टर इनके ने डायरेक्ट किया इसको टू क्रिएट अ कस्टमर चार्टर टू अशर इन हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी इन सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड इंस्पेक्शंस, और देखिए इसमें इन्होंने बोला कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें स्पीड स्किल स्केल का जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और स्टैंडर्ड का जो ध्यान रखना चाहिए, पीयूष गोयल ने बोला। नेक्स्ट जो यहाँ पर दिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लैंड पोर्ट हाउस इज द कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड अदर इंस्पेक्शन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रीज लॉज पर्टेनिंग टू सच एक्टिविटीज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। दूसरी है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटर्स, देखिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी तो है इनके लैंड पोर्ट्स की, लेकिन ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स अंडर नहीं आएगी, तो थर्ड जो आपका सेकंड जो गलत हो जाएगी। थर्ड आती है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो टू कंट्रीज के बीच में रहती है, टू कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में रहती है, उनको जो है ये मैनेज करती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें जो करेक्ट आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप विकिपीडिया कटआउट देख सकते हैं, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक स्टैचुरी बॉडी है क्रेडिट थ्रू दी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 वर्क्स करी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया, रिस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर क्रिएटिंग अपग्रेडिंग मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, और ये मैनेज करती है सेवरल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देखिए अटारी जो चेक पोस्ट है वो पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में लोकेटेड है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अगरतला आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा बंगलादेश के साथ, पेट्रापोल आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगी बांग्लादेश के साथ, रक्सौल बिहार में देखने को मिलेगी नेपाल के साथ, जोगबानी बिहार में देखने को मिलेगी नेपाल के साथ, मोरे मणिपुर में देखने को मिलेगी म्यांमार के साथ, और दापकी जो है मेघालय में देखने को मिलेगी बांग्लादेश के साथ, और एक स्टैचुरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करेगी, आदित्य मिश्रा जो इसके चेयरमैन है। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो है न्यूज आई, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सेलिब्रेट किया अपना 9th फाउंडेशन डे। नेक्स्ट जो देखिए स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट इसका एम रहता है कि एक्सटेंड करना कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन, देखिए जेनरिक मेडिसिन है मान लीजिए ये ओरिजिनल मेडिसिन है, ये मान लीजिए 100 रुपीज की है, तो जो सॉल्ट इसमें दिया गया है उसी की ही कॉपी करके सेम टू सेम वही क्वालिटी रखे वही रेशो रखे एक जेनरिक इसकी डुप्लीकेट एक मेडिसिन बना देना उसको जेनरिक बोलेंगे और आपको ये 10 रुपीज में मिल जाएगी, इस तरह से इसमें फर्क रहता है और सेम चीज़ ही रहती है, सेम वर्क करेगी, वही सॉल्ट है वही सब कुछ है, लेकिन इसी इसमें ब्रांड का नेम है इसमें ब्रांड का नेम नहीं होगा। तो इसमें देखिए जेनरिक मेडिसिन की कवरेज को एक्सटेंड करने के लिए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो रहता है
पब्लिक का मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर वो कम किया जा सके, ये इस योजना का जो है एम है। तो सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट हो जाएगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट में पूछी गई है तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो ये आप स्क्रीन सामने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के बारे में देख सकते हैं। ये जो कैंपेन है लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और जो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीआई, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया जो है एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की, और ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ये इंस्टीट्यूट में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और रजिस्टर्ड है एज इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। एम्स रहता है इसका टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ एंड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन फॉर टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, और टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनेरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन पॉलिसी सो दैट क्वालिटी इज नॉट सिंक्रोनियस विद द ओनली हाई प्राइसेस। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र जो सेटअप किए जाएंगे ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना टू प्रोवाइड जेनेरिक ड्रग्स। और देखिए हमारी कंट्री में जो है हर साल जो है जनऔषधि दिवस जो है मनाया जाता है 7 मार्च को, जो हर साल आपको जो जनऔषधि दिवस देखने को मिलेगा। अब बार हमने थर्ड जनऔषधि दिवस जो है सेलिब्रेट किया 1970s को जो सेलिब्रेट करना शुरू किया है, और अब की बार की थीम है सेवा भी रोजगार भी, और इसमें देखिए मेंशन हुआ था प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का, और यहाँ पे देखिए बताया गया ब्यूरो फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के, और इनके द्वारा जो है थर्ड जनऔषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया, और सेवा भी रोजगार भी जो इसकी जो है थीम थी, और जनऔषधि दिवस वीक जो है 1 to 7 मार्च 2021 को जो है सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रहता है काइपर्ड फार्मिंग जो है, देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग है, देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें सेलाइन ब्रैकिश वाटर में जो है ऑर्गेनिक जो है राइस को जो है उगाया जाता है, और इट इज द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ केरला। थोला वो कोथू जो की शेडो पपेटेरी है ये भी जो आपको जो है केरला में देखने को मिलेगी। कलीरी पट्टू ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया ये भी आपको केरला में देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरी सारी की सारी वीडियो अगर वीकली करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज की देखी है तो सारी की सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस आपको केरला में देखने को मिलेगा। इरावकुलम नेशनल पार्क जो आपको केरला में देखने को मिलेगा, तो ये कुछ जानकारी केरला के बारे में। तो देखिए द हिंदू न्यूज आई काइपर फार्मिंग ऑन रिवाइवल पाथ, काइपर फार्मिंग को रिवाइव किया जा रहा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं काइपर फार्मिंग जो एक सेलिनिटी प्रोन नेचुरल ऑर्गेनिक राइस कल्टीवेशन है इन द नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और ट्रेडिशनल काइपर सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन जो एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम है इन विच राइस कल्टीवेशन जो है इसमें की जाती है एंड एक्वाकल्चर गो टुगेदर इन कोस्टल बैकिस्ट वाटर मार्शेस रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इट हैज बीन इंक्लूडिंग द जीआई टैग। तो जीआई टैग में जो है आपके इस काइपेड जो राइस है काइपेड जो मेथड इसको रखा गया है। तो ये आपके रिविजन के लिए मैं किसी एक टॉपिक से बार बार जो है क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ ताकि रिविजन भी हो जाए। तो एक्स डेजर्ट फ्लैंक से रिलेटेड जो दोबारा से स्टेटमेंट मैंने फ्रेम की है, फर्स्ट रहती है एक्स डेजर्ट फ्लैंक जो एनुअल मल्टी नेशनल जो वारफेयर एक्सरसाइज रहती है होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट नहीं की जाती, यूएई के द्वारा होस्ट की जाती है, और यूएई का जो है मार्स मिशन रहता है जिसका नाम है होप और अल अलम भी जो इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना यूएई के द्वारा जो है इस एक्स डेजर्ट फ्लैग किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करिए फॉर फर्स्ट टाइम इन एक्स डेजर्ट फ्लैग 6, तो बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो आएंगी ओनली सेकंड इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटर देन कैश अलायंस से रिलेटेड है, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए अलायंस जो यूनाइटेड नेशन बैक अलायंस है, बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैक्ड है और ये एम रहा था फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और इसमें जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करने की जो है इसमें जो ये एम रखते हैं। सेकंड है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस अलायंस, देखिए इंडिया जो है मेंबर है, इसके 75 मेंबर्स हैं और इंडिया भी जो है इसका जो है मेंबर आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा बस ओनली वन इज करेक्ट। तो ये हम स्क्रीन साम देखते हैं पीआईबी की न्यूज में जो फाइनेंस की 2 मार्च 2021 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्की एंड यूएन बेस्ड बेटर देन कैश लाइंस केम टुगेदर फॉर रिस्पॉन्सिबल मर्चेंट डिजिटाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं बेटर देन कैश लाइंस जो है ग्लोबल पार्टनरशिप साइड गवर्नमेंट्स की कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज की दैट इज द ट्रांसलेशन फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट्स बेस में जाना है ताकि रिड्यूस किया जा सके पॉवर्टी एंड ड्रिव इंक्लूसिव ग्रोथ, और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके रूथ गुडविन गोरेन 7 सितंबर 2012 को ये फोन हुई थी। हांगकांग कन्वेंशन से रिलेटेड आई थिंक मैं प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हांगकांग कन्वेंशन जो न्यूज में रहती है इज रिलेटेड होती रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, अधिक जाने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो आप देख सकते हैं। तो हांगकांग कन्वेंशन का आप ध्यान रखना ये 2009 में जो है साइन हुई थी, और ये जो है फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, अगेन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग बिल इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, और 2 कैटेगरीज ऑफ सिटीज में रहती है मिलियन प्लस एंड लेस देन 1 मिलियन। तो मिलियन प्लस में इसको टॉप किया है बेंगलुरु ने और लेस देन 1 मिलियन में टॉप किया है शिमला ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो इज गेदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, तो देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एज वेल एज म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन सीरो,
तो देखिए हिमालयन सीरो काफी ज्यादा न्यूज में था, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्पॉटेड हुआ था, उसके बाद अभी ये जो है आसाम में स्पॉटेड हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज नेटिव टू हिमालयस एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ का नेटिव है। अपर एलिवेशन स्पीसी की 3000 मीटर है और लोअर जो है 2000 मीटर है, ये बिल्कुल सही बात है। और आईयूसीएन स्टेटस का जो वनरेबल है, ये बात आप ध्यान में रखनी, आईयूसीएन स्टेटस का जो वनरेबल है तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं हिमालयन सीरो जिसको कैप्रिकोर्निस सुमेटोनिस थार बोलते हैं, ये सब स्पीसीज आती है मेल एंड सीरो नेटिव टू हिमालयस, इट वाज प्रीवियसली कंसीडर्ड ऑन स्पीसीज एज अ कैप्रिकोर्निस थार। हिमालयन सीरो जो मोस्टली ब्लैकिश रहेंगे विद फ्लैंक्स इन क्वार्टर्स एंड अपर लेग्स दैट आर रस्टी रेड रहेगी, और इट्स लोअर लेग्स आर व्हाइटिश। अपर एलिवेशन जो 300 मीटर और लोअर लेग्स 300 मीटर, और आईयूसीएन जो स्टेटस इसका इट इज इन वल्नरेबल। तो ये था हिंदू की न्यूज थी 3 मार्च 2021 की, इन फर्स्ट हिमालयन सीरो स्पॉटेड इन असम। जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडिट और जीडीपी से रिलेटेड जो है बच्चों में देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो मॉनेटरी वैल्यू होती है ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री दैट इज जीडीपी। और देखिए जो ग्रॉस वैल्यू एडिट होती है ये एक सेक्टर स्पेसिफिक होती है, और जीवीए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में हम सब्सिडीज को प्लस कर देते हैं और टैक्सेस को जो है माइनस कर देते हैं। जीवीए आपने ध्यान रखना ये सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी और ये जो है प्रोड्यूसर बेस्ड ये रहती है, जबकि जीडीपी जो है कंज्यूमर्स के बारे में हमें बताती है, डिमांड्स के बारे में हमें जो है बताती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि ग्रॉस वैल्यू एडिट मेजर्स दी टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। ग्रॉस वैल्यू एडिट जो है जो टोटल आउटपुट जो रहती है और इनकम किसी इकोनॉमी की रहती है उसके बारे में हमें बताती है। दूसरी स्टेटमेंट है जीवीए इज अ सेक्टर स्पेसिफिक, सही बात है, जीवीए सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी जबकि जीडीपी कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ द जीवीए ऑफ ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट सेक्टर्स की हम जीवीए निकालेंगे, फिर उनको सम कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे, जमा उनको कर देंगे, और उसके बाद जीडीपी आ जाएगी, जिसमें जो है हम जो है देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो जीवीए होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि टैक्सेस को ऐड किया जाता है और सब्सिडीज को डिडक्ट किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हम जो है जीवीए को कैलकुलेट करते हैं तो सॉरी जब इसको अगर हम उल्टा कर दें जीडीपी को तो जीडीपी हो जाएगी फिर जीवीए, ये यहां पर माइनस में, इस तरफ हमें आगे प्लस हो जाएगा, टैक्स को प्लस कर दिया जाएगा और सब्सिडीज इसमें जो माइनस हो जाएगी। तो इसमें देखिए बोला गया कि सबमिशन हमने जो है सभी जीवीए की करनी है, टैक्सेस में जो है जमा कर देने हैं जीवीए में और सब्सिडीज को डिडक्ट कर देना है, मैं थोड़ा उल्टा चला गया था, तो सेकंड भी आपका जो करेक्ट हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। थर्ड रहता है व्हाइल जीवीए गिव्स अ पिक्चर ऑफ स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, देखिए कंज्यूमर साइड से जीवीए नहीं देती है, सेक्टर स्पेसिफिक होगी, तो प्रोड्यूसर साइड से जो है ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पिक्चर देगी, जबकि जीडीपी जो है कंज्यूमर साइड से होती है तो ये डिमांड साइड में बोलेगी, स्टेटमेंट उल्टी कर देगी, तो थर्ड जो आपकी गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो देखिए इन स्टेटमेंट्स को आप बिल्कुल सही ढंग से सुन लीजिए, अगर सिंपली हम बोलें तो ग्रॉस वैल्यू एडिट का मतलब है टोटल आउटपुट एंड इनकम ऑफ द इकोनॉमी, और ये प्रोवाइड्स करेगी रूपी वैल्यू फॉर द अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स दैट हैव गॉन इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। और इट ऑल्सो गिव्स, ये जो एक सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर देती है, लाइक व्हाट इज द ग्रोथ इन एन एरिया इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। जीवीए देखिए आपकी सेक्टर स्पेसिफिक होगी, जबकि जीडीपी कैलकुलेट होगी बाय द समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, विद टैक्सेस एडिट किए जाएंगे और सब्सिडीज को जो डिडक्ट किया जाएगा। जीवीए गिव्स द पिक्चर ऑफ द स्टेट इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड्स, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी, और सप्लाई साइड से, जबकि जीडीपी जो रहती है वो गिव्स करेगी पिक्चर ऑफ फ्रॉम द कंज्यूमर साइड ऑफ डिमांड पर्सपेक्टिव। बोथ मेजर्स जो है नीड नॉट मैच, क्योंकि ये मैच नहीं होता, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंसेस रहते हैं। तो फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है, जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, और जब आपने जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जीवीए में टैक्सेस प्लस हो जाएंगे और सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूले आपने जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी काराकल और वाइल्ड कैट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रिसेंटली जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने जो है काराकल को जो है लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड कर दिया है, बिल्कुल सही बात है, यही जो है रिसेंटली न्यूज आई थी। नेक्स्ट बोला जाए इट इज नेटिव ओनली टू इंडिया, सबने बिल्कुल गलत है, आपको अफ्रीका मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है देखने को मिलेगी, सेंट्रल एशिया में भी आपको देखने को मिलेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगी। थर्ड रहती है देर आर एविडेंसेस ऑफ द कैरिकल फ्रॉम फॉसिल डेटिंग बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने पुराने जो है आपको फॉसिल देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगी, सेकंड करेक्ट नहीं है। तो ये आप इस हिसाब से देखते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो लास्ट मंथ जो है कैरिकल जो मीडियम साइज वाइल्ड कैट जो रहती है जो कि राजस्थान गुजरात में फाइंड होगी, इसको डाल दिया है,
और ये जो है एक्सटेंशन कहां पर पहुंच गई है, बिसाइड इंडिया कैरकल जो है बहुत सारे डजन कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एंड साउथ एशिया में जो देखने को मिलेगी, और ये फ्लोरिश करती है इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। इस नंबर इन एशिया जो है डिक्लाइन कर रही है, और अर्लीस्ट इवेंट्स जो रहते हैं कैरकाल के इन सब कंट्री का फ्रॉम द फर्स्ट डेटिंग बैक टू सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी 2000 बीसी अकॉर्डिंग टू अ रेफरेंस पीरियड इन हिस्टोरिकल एंड कल्चर एक्सटेंट ऑफ अकरेंस ऑफ द कैरकाल इन इंडिया वन ऑफ द फ्यू पब्लिश स्टडीज ऑन द एनिमल। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में इसलिए न्यूज आई थी एक्सप्लेन द कैरकाल ऑफ फेवरेट ऑफ रॉयल्स नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो कैरकाल हैज ट्रेडिशनली बीन बेल्ड फॉर लीथनेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू कैच बर्ड्स इन फ्लाइट। इट वॉज फेवरेट कॉर्सनिंग ऑन हंटिंग एनिमल्स इन मेडिवल इंडिया, और ये मार्च 4, 2021 आप देखते हैं इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो एनिमल हमें देखने को मिलता है। देखिए फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट जो काफी ज्यादा जो है देखिए न्यूज में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट का मतलब है कि जो एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको रिड्यूस करना है और प्लांट बेस्ड फूड का जो इनटेक है उसको जो इंक्रीज करना है, इससे रिलेटेड जो है फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट जो रिलेटेड है। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी। न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उससे टेम्पररी सेटबैक जो है फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट को लगा हुआ है। तो ध्यान रखना फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट का मतलब है कि रिड्यूस कर देना एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको और इंक्रीज कर देना प्लांट बेस्ड जो फूड रहेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट जो हमारा सीरीज में रहता है, इसमें पूछा गया है रिगार्डिंग दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जॉइंट इनिशिएटिव वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, तो ये गलत जाएगा। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत जाएगी। आईपीसीसी जो इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड पब्लिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सेकंड स्टेटमेंट में जो करेक्ट हो जाएगी, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो ये विकिपीडिया कटआउट आप स्क्रीन सामने देख सकते हैं, ये 1980 में जो फॉर्म हुआ था और ये जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, और हेडक्वार्टर इसके आपको जेनेवा देखने को मिलेंगे और होसिन ली जो है इसके जो है हेड में देखने को मिलेंगे। सो दैट्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ जो आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेंगी, तो आप हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।